आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास में काफ़ी पेशेंट अल्कोहल के आते, शराब के नशा के लोग आते हैं और इलाज करने के लिए आते रहते हैं। हमारा एक स्पेशल हॉस्पिटल है जहाँ डी एडिक्शन सेंटर है, जहाँ अल्कोहल के लोगों को जो शराबी है उनके नशे का इलाज करते रहते हैं। अल्कोहल विड्रॉल के बारे में मैं ये वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अल्कोहल विड्रॉल ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हरदम शराब लेने वाला आदमी यदि वो अचानक शराब लेना बंद कर देता है या शराब की मात्रा लेना कम कर देता है, मतलब कम शराब लेता है, तो उसको फिर विड्रॉल आ जाता है। क्योंकि उसका ब्रेन जो है, उसकी जो बॉडी है, उसको भी हैबिट लग चुकी है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक मात्रा कम से कम उसने रोज लेना है। अब वो कम मात्रा में लेता है तो फिर उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जब वो अल्कोहल विड्रॉल होता है तो वो अल्कोहल विड्रॉल दिखता कब है? यूजुअली 4 घंटे से 12 घंटे के बीच में वो शुरू हो जाता है, शराब लेना बंद कर दिया तो या कम शराब लिया तो। और फिर उसमें क्या क्या होता है, उसमें सीने में धड़कन धक 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 जी करता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, बदन में बहुत गर्मी आ जाती है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, पसीना तर हो जाता है, बहुत पसीना, हाथ कांपना, जी मचलाना, फिर उल्टी होना, और ऐसा मतलब नींद नहीं आना, और फिर चिंता लगना छोटी छोटी बात के ऊपर, ऐसा उसको घबराहट आना, और उसको लगता है कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, वहाँ भागूँ इधर भागूँ, ऐसा रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, और उसको लगता है कि अभी क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आता। सेकंड डे पे और ज़्यादा हो जाता है वो, और चार दिन के बाद में धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है। अब कभी कभी ये जो अल्कोहल विड्रॉल है वो कभी कभी अल्कोहल डिलीरियम ट्रेमस में भी जा सकता है। और डेलीरियम ट्रेमस मतलब क्या है कि 5% लोगों को जिनको अल्कोहल विड्रॉल है, ऐसे 100 लोगों में से 5% लोगों को डेलीरियम आता है। और वो डेलीरियम जो है मतलब बेहोशी आना, वो 36 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में आती है। और उसमें वो जो लक्षण पहले बताया वो तो सब है ही है, उसके साथ साथ कान का भ्रम, कान में आवाज आती है, कोई आ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे कानों का भ्रम होता है, कानों में आवाज आ जाती है, आंखों का भ्रम होता है, उसको कहीं सांप दिखाई देते हैं, कुछ मारने लोग आ रहे हैं ऐसा उसको दिखाई देते हैं, स्पर्श का भ्रम होता है, उसको लगता है कि कोई कीड़े अंग पे से चल रहे हैं या अंगार हो रही है ऐसा कुछ, तो उसको भ्रम हो जाता है, चमड़ी का भ्रम हो जाता है, कभी कभी वो व्यक्ति हिंसक बन जाता है और कभी होश गमा के बैठ जाता है, उसको परिस्थिति का भान नहीं रहता, कभी कभी बेहोश हो जाता है। और कुछ 3 से 5% लोगों को झटके आते हैं, फिट्स आती है। अब ये जो अल्कोहल डिलीरियम है ये मेडिकल कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, क्योंकि अल्कोहल डिलीरियम ट्रेमस जो है उसमें 5% लोग, जिनको 100 लोग है समझो जिनको डिलीरियम आया हुआ है, उसमें से 5% लोगों को जान को खतरा हो सकता है, वो मर सकते हैं। इसलिए मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है, और उसको वो हिसाब से ट्रीट करना जरूरी है। इसमें एक तो IV फ्लूइड देना, फिर नींद आने के लिए उसको दवाई देना, घबराहट बेचैनी जो उसके लिए दवाई देना, यदि फिट आती है तो उसकी दवाई देना, मतलब सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और 72 घंटे से लेके करीब 90 घंटे तक उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, और धीरे 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 आदमी अच्छा होना शुरू हो जाता है। वो एक जगह बैठता नहीं तो कभी उसको बांध के रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको होश नहीं रहता है, बेहोश रहता है, इधर से उधर करता है, उधर से इधर करता है, उसको होश आवाश नहीं, पहचानता नहीं किसको, भ्रम हो रहे, ऐसे हाथ कर रहा है, बुला रहा है किसको, भाग रहा है, तो ऐसे इसमें उसको तो। और इसमें होता क्या है कि कोई हम दवाई देते हैं तो बहुत सारी दवाइयों का यह कंडीशन में असर भी नहीं होता, तो फिर IV दवाई देके उसको कभी कभी एनेस्थेटाइज करना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी है और इसका इलाज होना जरूरी है। और सब और फिर होता क्या है कि लोग ये होता है करके लोग अल्कोहलिक का इलाज ही नहीं करते। तो अल्कोहलिक का इलाज करने के लिए जब अल्कोहल बंद कर देते हैं तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन किया, तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स जो है या डिलीरियम है उसका इलाज बराबर सही ढंग से बराबर हो सकता है। इसलिए हम हरदम बोलते हैं कि आपको अल्कोहल बंद करना है, शराब लेना बंद करना है, तो वो बंद करने का कार्यक्रम जो है वो हॉस्पिटल में करो, मतलब हॉस्पिटल में 2-3 दिन के लिए भर्ती हो जाओ, ताकि जो भी तकलीफ है आपको वो तकलीफ का इलाज हॉस्पिटल में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो अल्कोहल का जो हॉस्पिटल है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स वहाँ ट्रीट करते हैं।
डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ हम लोगों को मेडिकल मेडिकल कंडीशंस जो उनके साथ साथ है वो भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं और मेडिसिन दे देते हैं, जैसा डायसल्फिराम ट्रीटमेंट देते हैं, एवर्शन ट्रीटमेंट देते हैं, उनको फैमिली काउंसिलिंग करते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी करते हैं, उनको अल्कोहलिक एनोनिमस की जो 12 स्टेप्स है उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं और वो भी मीटिंग्स लेते हैं। तो ऐसा उनको इलाज पूरी तरह से होता है। पेशेंट करीब करीब 1 से 3 महीने तक वहाँ भर्ती रहता है और फिर अच्छा होकर घर चले जाता है। फिर बाद में उसको 1 साल तक दवाई लेनी पड़ती है, जो एवर्शन ट्रीटमेंट है ना वो भी चालू रखनी पड़ती है, और डायसल्फिराम दवाई कम से कम 1 साल तक लेनी पड़ती है, और साइकोथेरेपी काउंसिलिंग ये भी कंटिन्यू करना पड़ता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।